क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आपके सामने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या पी रहा हूँ, ना प्रोटीन शेक नहीं है यार, इट्स अ वाटर, पानी। आज हम पानी के ऊपर बात करेंगे भी, पानी का बॉडी के अंदर क्या रोल है और ये क्या काम करता है आपके शरीर के अंदर, और इसको कितना पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए और किस लिए पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए। क्योंकि लोगों के जो मिथ है ना पानी को लेके, वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुए। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं बॉडी में कितना अपना पानी घूम रहा है, कितने परसेंट पे है, क्या नहीं है, क्यों है, कैसे है। वो कुछ लोग परेशान हो रखे हैं पानी को लेके यार, इतनी एसेंशियल चीज़ है, इस चीज़ के पीछे लोग पागल हो रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे पानी के ऊपर। तो अब बात करते हैं पानी के ऊपर जी। तो पानी यार एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के लिए, जिसके अंदर कि हमारी बॉडी जो 70% हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर होता है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ फ्लो कर रहा है, जिसमें ब्लड जा रहा है, आपके ऑर्गन्स हैं, सारे काम कर रहे हैं प्रॉपर। अब आप खाए बिना रह सकते हैं पर पानी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है ना। आप देखें जब बंदे व्रत भी रखते हैं, जैसे फास्टिंग हो रही है किसी की है ना, या फिर कोई अनशन पे बैठा हुआ है, तो बंदे पानी तो कम से कम पीते, खाना नहीं खाते, तो खाए बिना आप रह सकते हो, तो इसके बिना नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, तो मैं आज आपको बताऊँगा। तो ऐसा है कि जो पानी है उसको बहुत ही बैलेंस करके पीना चाहिए। जैसे कि अब कई लोग हैं वो 1 से 2 लीटर ही पानी पी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। कई हैं, कई महारथी 10 लीटर पे भी पहुँचे हुए हैं, घट ही नहीं रहे पानी पीने से भी। ऐसा नहीं है यार, इट्स बैलेंस भी। 4 से 6 लीटर अगर आप पानी पीते हैं ना दिन का, तो इट्स ओके फॉर यू। डॉक्टर्स भी, अगर आप जाते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास विजिट भी करना है, वो भी आपको ये बोलता है यार भी कम से कम भी तो यार तू 4 लीटर पानी तो पिया कर दिन का, तो ठीक है, इतना ठीक है, इतना पीना भी चाहिए। बिकॉज इससे आपके एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी के अंदर, वो रिलीज होते हैं थ्रू आपके स्वेटिंग हो गए, या फिर यूरिन के थ्रू आपके बाहर निकलते हैं, और बाकी आपको डाइट के आप पचाने में भी आपको बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए भी आपको पानी, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है पानी। अगर आप स्किन के रिलेटेड भी अगर हम बात करें, तो आपको बहुत अच्छी आपकी स्किन को रखता है, जिनको अब देखिए कहीं कहीं ऑयली स्किन होती है, या कहीं कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, जिनकी बॉडी ओवरहीट है या हीटिंग हो रही है उनके अंदर। क्योंकि अब बेसिकली आप देखिए, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो प्रेप करते हैं, वो बहुत गर्म खाते हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, वो तो एग्स खा रहे हैं, मतलब डेली के 25-25, 30-30, 15-15 भी खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में गर्मी हो जाती है। होनी है यार, आप इतनी गर्म चीज़ें अब अंदर डाल दी हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए तो कुछ डालना पड़ेगा ना। अब बर्फ़ तो खाने से रहे, वो सीधी तो पानी पियेंगे ना भाई, तो पानी से क्या होगा, बॉडी आपकी ठंडी रहेगी, तो उनका वाटर इंटेक थोड़ा ज़्यादा होता है एक नॉर्मल बंदे से। तो आप उसको बैलेंस करके चलें अपनी लाइफ के अंदर भी, आपकी बॉडी का लाइफस्टाइल क्या है और आप उसको कितना आगे तक लेके जा सकते हैं। तो बाकी अगर आप बात करेंगे, आप किसी बॉडी बिल्डर को देख के पी रहे हो, यार वो तो इतना पी रहा था, यार मैं भी इतना पीऊँगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड भाई। चाहे वो तू पानी पी ले, चाहे तू रोटियां खा ले, 15 रोटियां खाएगा तो भी तेरे को उल्टियाँ लगेंगी, पानी पिएगा वो भी बाहर ही आएगा, तो ठीक है ना। हर एक मटके का भी साइज़ होता है ना पानी भरने का, उसके बाद वो ओवरफ्लो ही होता है, तो उसको वहीं तक ही पियो जहाँ तक आपकी लिमिट है। सबको अपने शरीर का पता होता है, ठीक है ना। कईयों का शरीर छोटा है, अब कोई जो हाई 5 फुट का, वो 7 फुट वाला कैसे बन जाएगा यार, ठीक है ना। तो सबको अपने शरीर का पता होता है कि मेरी लिमिट इतनी है, मेरे को यहाँ आके ब्रेक लगानी है, तो वो लगानी पड़ेगी आपको, तो वो बहुत ज़रूरी है लगानी। तो पानी भी ऐसा ही है कि पानी का लेवल भी आप बॉडी के अंदर उतना रखें जितना कि आप उसको सहार सकते हैं। अब मैं जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और एक नया कोई आया है जिम के अंदर, जिसने पहली बार जिम हिट करा, तो वो मेरे महल को देख के अपनी जूगी डाले, तो बेचारा जिम भी नहीं आ पाएगा ना। वो कहेगा नहीं यार, ये तो ऐसे खा रहा था, ये ऐसे पी रहा था यार, तो मैं तो ऐसे करूँगा। और हमारा यार क्राइटेरिया अलग है, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है। कोई एक्सरसाइज करते हुए पानी पीते हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज के बाद पी रहा है, प्रोटीन शेक पानी में पी रहे हैं लोग अपना, तो कई खाने के बाद पानी को ऐसे बोलेंगे। आपको कई लोग ऐसे बोलते होंगे यार खाने के नहीं, एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर रुक के पीना चाहिए भाई। जिसको खाने के बाद ही प्यास लगी हुई है, क्या करेगा वो, अब वो वेट करेगा, पहले आधा घंटा मैं वेट करूँगा, यार मिर्ची लग रही है तो लगने दे, मैं तो तभी पीऊँगा जब मेरे को आधे घंटे बाद ही पड़ लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं सबसे मार से निकाल दूँ भाई, जब प्यास लगी तो पी लो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा तुम्हें, भी इतना पानी नहीं पीना यार, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब लोगों के मिथ इतने, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहम का इलाज नहीं है,
ठीक है ना, एक बीमारी का तो इलाज है पर एक जो बहम है ना उसका कभी इलाज नहीं हो सकता। तो मेरा ये समझाने का मतलब आपको यही था इस वीडियो में कि पानी की जो बहुत वैल्यू है तो उसको एक डायरी में रख के आप उसको करें। भी इतने मिथ्स में ना फंसे यार, ये ऐसे नहीं, इस टाइम नहीं पीना, सुबह उठेंगे तो बॉयल पानी पीना है। भी ऐसा किसने लिख दिया यार, मैंने नहीं पिया आज तक सुबह उठ के बॉयल पानी यार। तो मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा मेरे को क्या हो गया मैंने बॉयल पानी नहीं पिया तो मेरा फैट नहीं कम हुआ। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने अपने अपने तरीके, सब सोल्यूशन सबके पास होते हैं भाई। हर एक बंदा मियाँ जी बना फिर रहा है यहाँ पे, तो सब आपको अपने अपने नुस्खे जरूर देंगे भी, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, पर आपकी बॉडी का आपको पता है आपने उसको कैसे चलाना है। तो मेरा बस ये वीडियो आपके सामने लेके आने का यही मतलब था कि पानी एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत एसेंशियल है, जिसको आप अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे तो आपको उसके फायदे ही होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। पर हाँ, लिमिट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें आप इस चैनल को, रोलिंग फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट को। थैंक यू सो मच।